तो मेरा विष्णुपुर आने का कारण है ये, ऑलमोस्ट सिक्किम का जो मनगन है वैसा वाला फील आ रहा है यहाँ पर। हवा आप देखिए, वो बहुत चीज ऐसा होता है ना जिसको आप यार बोल के बयान नहीं कर सकते हो, वो उसमें से ये वाली अपना उसमें से एक चीज़ है भाई। क्या सही लग रहा है यार ये व्यू। दुकाने बोर्ड लगी तो नाम लगा नहीं ना। लगा हुए। अच्छा चलिए, पूरा जंगल ही था, जंगल को काट के रास्ता बनाया गया है। डांकुनी हाउसिंग में हम लोग पहुंचे अराउंड 7:15 बजे। अब यहां से हम लोग का निकलना हो रहा है टुवर्ड्स चापाडांगा। लोकेशन आपको हम बाद में बता रहे हैं हम लोग कहां जा रहे हैं। अब जाके हम लोग यहां पे सबको एक साथ हो पाए हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था सिचुएशन कि मतलब सब राइडर अलग अलग जगह पे हैं। अब जाके हम लोग एक जगह पे मिले हैं, अब यहां से निकलना होगा। आइए दिखाते हैं आपको कौन कौन जा रहा है साथ राइड पे। तो सुदीप हम लोग के साथ जा रहा है, ऑलरेडी आप इसको माथन वाला राइड में देखे होंगे, साथ में उनकी मैसेज भी जा रही है। और यहां मेरा क्लोन नितेश, एक्चुअली इनका नाम ही नितेश है, ये दूसरा से आ रहे हैं हम लोग के साथ। ओए हम गिर जाएंगे भाई। नितेश पहला राइड होने वाला है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, कोई ऑफिस का कॉल नहीं, कुछ नहीं, दो दिन पूरा रिलैक्स। तो हम लोग के लिए मॉनसून राइड है, इसके लिए फ्रीडम राइड है। तो हम लोग अभी तीन बाइक जा रहे हैं यहाँ से, 1, 2, 3। एक है एवेंजर 160, मेरा पल्सर 250 और सामने एक्सट्रीम 200। और हम लोग को लेट हो गया है, अब आपसे राइड मिलता है रास्ते पर। तो अभी चापाडांगा के आसपास है, सोच रहे हैं यहाँ भी फुल टैंक कर लो, ऑलरेडी रिजर्व पे आ जाता पेट्रोल, आगे जाके लूँ नहीं लूँ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ कैसा होगा, एकदम रिजर्व पे था। तो बेटर टू इशू दिस टाइम ना, आज जैसे दियो ना ऑलरेडी फुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग को मैं कितना थैंक्स बोलूँ, जितना भी बोलूँ उतना कम होगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि आप लोगों के कारण ही आज मेरा 500 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुका है। और मैं इसको लेके काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुश हूँ कि मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लेकिन साथ साथ ही आज मैं वापस निकल पा रहा हूँ एक नए सीरीज़ में, अयोध्या हिल्स। तो हाँ, हम लोग जा रहे हैं अयोध्या हिल्स, हमारे साथ दो राइडर्स और जा रहे हैं, श्रुदीप जिसको आप पहले भी माइथन वाले राइड में देख चुके हो, और एक मेरा ही नाम का मेरा फ्रेंड है नितेश, वो उड़ीसा में रहता है, वो भी हम लोग के साथ ही राइड में ज्वाइन कर रहे हैं। मानसून के टाइम पे अगर आप टूवर्ड्स जंगल की तरफ जाते हो तो आपको वो व्यू मिलेगा, वो लैंडस्केप का नज़ारा मिलेगा जो कि और कहीं मिलने वाला है। हम लोग का वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द बेस्ट सीनिक ब्यूटी अगर कहीं पे है मानसून के टाइम पे तो वो अयोध्या हिल्स। वैसे अयोध्या हिल्स आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ रहिए, ताकि हम और आप दोनों इस राइड को एंजॉय कर सकें मेरे नज़रिए से भी देखो। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना बनता ही है चैनल पर, आगे बने रहिए वीडियो पर, बहुत मजा आने वाला है। दिखाने लायक कुछ है नहीं, बट फिर भी बता देते हैं आप लोगों को, ये एक्चुअली चापाडांगा मोर है, ठीक है। ये अभी इसमें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहा है इस पर, और वो जाने के बाद ऑब्वियसली बढ़िया हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से निकलना है टुवर्ड्स स्ट्रेट आरम्बा की तरफ। यहाँ से और एक रूट था, वो था तारकेश्वर वाला रूट। आप चाहो तो तारकेश्वर वाला रूट से भी आके आप चापाडांगा में भीड़ करके आप टुवर्ड्स अयोध्या जा सकते हो। अगर आप लोग आरम्बा वाले रूट से आ रहे हो तो आप लोग एक चीज़ दिमाग में रखना कि सर आपको डाइवर्सन बहुत मिलने वाला है अप टू आरम्बा। आरम्बा के बाद रास्ता काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि रास्ता एकदम ही ख़राब है। बस चापाडांगा आरम्बा वाला सेक्शन अराउंड 54 किलोमीटर का सेक्शन थोड़ा आपको डामाडोल मिलेगा। सो आरम्बा क्रॉस करके थोड़ा दूर आगे हम लोग रुके हैं, 5-6 किलोमीटर थोड़ा टाउन छोड़ के। टाउन में ऑलरेडी बहुत आपका रस था तो वहाँ पे रुकने का मन किया नहीं, और एक सामने एक अच्छा सा छोटा सा ढाबा दिखा, जैसे ये यहाँ रुक के अभी चाय और थोड़ा बिस्किट खा के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सुदीप भैया का प्लान है आपका बोनालता में, तो यहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं, यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे बोनालता। ऑलरेडी हम लोग 70 किलोमीटर का जर्नी कम्प्लीट कर चुके हैं। हाँ भाई हाँ, बस
फेमस बोनादाता रिजॉर्ट। सुदीप का जो बंजी कॉर्ड ना वापस वो लूज हो गया होगा, उसका बैग ढीला हो गया, इसलिए वो लेट से आ रहा है। वैसे हम लोग जंगल महल में एंट्री कर गए हैं, जयपुर से जंगल महल चालू होता है, आगे आप जंगल जाना दिखेगा। हम लोग अब निकल रहे हैं बनौलता रिजॉर्ट से और मौसम ऐसा देख के लग रहा है कि बारिश होने वाला है। अब हम लोग ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, एक बार ऐसे गए तो थे हम बट कभी वीडियो नहीं बनाया उस चीज़ का, कभी समय मिलेगा तो एक बार अंदर भी जाके देख लेंगे। चलिए निकला जाए यहाँ से। सो यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है ऑफिशियली, आप बोल सकते हो जंगल महल। जंगल को काट के रास्ता बनाया गया है ताकि जंगल का जो व्यू है वो भी बरकरार रहे और इंसान भी अपना आवाजाही कर सके। दिखेगा लिखा हुआ एलिफेंट कॉरिडोर, वहाँ पे गाड़ी स्लो ही चलाना। एक्चुअली एलिफेंट कॉरिडोर एक्चुअली है, मतलब इधर से एलिफेंट क्रॉस करता है एक समय पे। यहाँ का नज़ारा एंजॉय करिए। जयपुर फॉरेस्ट इधर ख़त्म हुआ, अब आगे हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स बिष्णुपुर। और बिष्णुपुर क्यों जा रहे हैं, कि बिष्णुपुर वाला रूट एक्चुअली क्यों चूज़ किया है, अब आप लोग को थोड़ा देर में पता चलने वाला है। आप दोनों तरफ से आप जा सकते हो टुवर्ड्स अयोध्या पहाड़, लेकिन जो लेफ्ट वाला जो रूट है, जो अभी आप देख पा रहे हो बड़ा सा गेट बना हुआ है, एक्चुअली इस पे नहीं जाना है आपको। ये लेफ्ट वाला जो गेट है ये बिष्णुपुर टाउन के अंदर से होके निकलेगी नरसिंह मोड़ पे, जहाँ से हम लोग शिवडांगा वाला रास्ता पकड़ के हाथीरामपुर को पकड़ के अयोध्या की तरफ जाएंगे। हम लोग को ये लेफ्ट वाला नहीं लेके ये स्ट्रेट वाले रास्ते पे कंटिन्यू करना है। इसका फ़ायदा ये है, ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, प्लेन है, और आपको टाउन का जो जैम है आपको वो अवॉइड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर आने का कारण है ये ना नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। अब हम लोग को जाना है टुवर्ड्स राइट, यहाँ से राइट लेके हम लोग को घूमना है। चलिए टाइम हो रहा अराउंड 11:30, हम लोग अब क्रॉस कर चुके हैं आपका बिष्णुपुर। इधर से अराउंड हमें जाना है अराउंड हाथीरामपुर, जिसका डिस्टेंस अराउंड 45-48 किलोमीटर होगा। और रास्ते के बहुत साइड देखो अभी आप जोरों शोरों से ट्री प्लांटेशन हो रहा है यार। आगे का कुछ सेक्शन बहुत अच्छा लगने वाला है, मैं अभी डालने वाला हूँ। तो इस जगह का नाम है नाकाई जोड़ी, यहाँ से लेट जाना पड़ता है। उस कैंप का खासियत यह है कि आपको टोटल जंगल के बीच में एक लेक जैसा बना हुआ है, वहाँ पे और टेंट टाइप का जो हाउसेस है वो वहाँ पे एक राइडिंग कम्युनिटी है, वो लोग के द्वारा ही आप बोल सकते हो कि उस जगह का नाम इतना हुआ, पॉपुलैरिटी उसको मिला है। परिमल कांजी आप शायद नाम जानते हो उनका, या अगर नहीं भी आप सुने हो तो उसके बारे में हल्का बता रहा हूँ। परिमल कांजी वही है जो साइकिल से कोलकाता से लद्दाख घूम के आए थे साइकिल से, और पैन इंडिया उनका हर एक स्टेट हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर करके वो सारा स्टेट लिया था साइकिल से ट्रैवल करते। अब जो यहाँ पे रास्ता मिलने वाला ना यार, वो देखो बस, वो वहाँ जा रहा रास्ता पूरा कर्व एक और सुख जगह ऑक्सपो बोल रहा हूँ मैं, कुछ कुछ वैसा लगता है। वैसे ये कैनल है और ये चड्डी पे भी आ गया बेचारा, चड्डी में कट दिया पर अब तो मन करा यार यहाँ पे रुके यार, रुकी फोटो खींच यार बस। इनका भी एक्चुअली बाइक राइडिंग का शौक काफ़ी है, नितेश का भी, और आज तीनों को मौका मिला भाई एक साथ जाने का। एक साथ जाना यार ऐसे यार, मतलब क्या ही बोले यार, मतलब अगर मेरे को कोई कोटेशन आता, मेरे को कोई कोट आता तो मैं अभी डाल देता। तो इतना सुंदर है आपका बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जंगल महल के साइड में यार, अभी भी यहाँ पे प्रकृति को मतलब क्या बोले, इतना नुकसान नहीं पहुँचाया गया है कि आपको व्यू ना मिले, बट यहाँ प्रकृति अभी भी अपना अस्तित्व बनाए रखी है। सो लेफ्ट वाला जो रोड देख रहे हैं वही रोड है आपका बांकुड़ा खतरा का रोड है, यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट, पूरा बढ़िया से घूम जाओ। हाथीरामपुर
टाउन से ही हम लोग को राइट की तरफ मुड़ना है, हिरबांध की तरफ से होके जाना है अपना अयोध्या, जो कि अपने को मिलेगा मान बाजार बड़ा बाजार होके निकलेगा वो रास्ता। ये सीधा जा रहा है आपका खातरा और टुवर्ड्स जो राइट जा रहा है ये जा रहा है मान बाजार वाला रास्ता, आपको ये रास्ता पकड़ना है। अब यहाँ से रास्ता क्या है मेरा एक्सपीरियंस तो है नहीं भाई, सो चलिए मुझे भी आज एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ रास्ता क्या है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, गूगल मैप ऑन कर लेता हूँ। जबी 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 रास्ता है, ठीक है हेल्प करिएगा हमको। हाँ देख लेते हैं रास्ता, वो सीधा ही है, नॉर्मल रास्ता, कोई ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। दो घंटा हम पकड़ के बैठे रहे नहीं भाई साहब, ये रास्ता तो लग रहा है भाई अपना यूएस में जो डेथ वैली वाला रास्ता है वैसा लग रहा है। देखिए सीधा रास्ता दिखे जा रहा है अपने को अब इधर का रास्ता भी अभी फिलहाल मुझे मोटा मोटी अच्छा ही लग रहा है। यहाँ से अपने को लेना है लेफ्ट, मान बाजार की तरफ जाना है, और रहा बात इस एसबीएसटीसी का भाई तो साइड ही नहीं दे रहा था। इधर नितेश का पैर दर्द हो रहा है, दिख रहा है मेरे को लुकिंग ग्लास से। यहाँ से मान बाजार का डिस्टेंस अराउंड 10, जमशेदपुर आपका लेफ्ट दिखा रहा है 83 किलोमीटर्स, अयोध्या हिल 93 किलोमीटर। ये पहला बोर्ड हम लोग अभी देखे हैं अयोध्या हिल का। सही लग रहा है यार ये व्यू, बहुत साइड खुला, छोटा छोटा उस तरफ हम लोग को टीला दिख रहा है और सामने बहुत बड़ा बड़ा एच टी वायर टावर जा रहा है, एच टी टावर्स। तो इस नदी का मुझे नाम तो नहीं पता, आप लोग को पता होगा यार ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो इधर से। तो दुकान में बोर्ड लगी है तो नाम लगा नहीं ना, एवर लगा अच्छा हाँ सही सही ग्रामीण दिखे तो नाम दिया तो है ना लोग इमनी सब आई के चेने ठीक है भले ঠিক আছে দাদা আসি ভাই সামনে বোর্ড লাগা আছে দেখবে কত কিলোমিটার হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সেই ঠিক ঠিক আছে চলো নিকলছে সারপ্রাইজিংলি ইধর মতলব বারিশ হই নি রা হ্যায় জো জহাঁ পে হম লোগ ড্রিঙ্কস ব্রেক লিয়ে থে ওয়াহাঁ পে জো দোকানদার থে ও বতা রহে থে ইধর বারিশ হই নি রা হ্যায় एक चीज़ ध्यान देने वाला है, बड़ा बाजार से पहले मान बाजार और बड़ा बाजार के बीच में बहुत सारा आपका जो कॉजवे बेंड होता है ना वो है। तो आप जब भी अगर आप थोड़ा रास्ता क्या है ना इतना सुंदर है आपको थोड़ा स्पीड चलाने का मन करेगा, तो अगर आप स्पीड चला रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि कभी भी कॉजवे बेंड आ सकता है। देखो बोर्ड दिया हुआ है कॉजवे अहेड, सो ये होता है आपका सामने जो है ये है कॉजवे, ये रहा, इसमें गाड़ी ढुकेगी और उछाल देगी, तो समझ के यहाँ पर ड्राइव करना, बाकी रास्ता बहुत सही है यहाँ पे। अरण्यक लॉज इज ऑन राइट, तो ये है हम लोग का होमस्टे अरण्यक होमस्टे, और इसके पीछे ही इसका एक लॉज भी है। पीपीएसपी का अपर डैम अयोध्या हिल्स के सामने, और आप अभी फिलहाल मुझे देख रहे हो यार, मुझे देखने में उतना कोई आप लोग का फ़ायदा नहीं है, आप लोग का देखना जो फ़ायदा का चीज़ है जो देखने वाला चीज़ है वो ये है। देखो ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि यहाँ पे अपर डैम पे आने के बाद हमको इस तरह का वेदर मिलेगा। थोड़ा देर पहले आपका लोअर डैम के वहाँ पे बारिश हो रहा था, बट यहाँ का वेदर देख के ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सिक्किम का जो मनगन है वैसा वाला फील आ रहा है यहाँ पर। हवा आप देखिए हो, मतलब काफ़ी तेज़ हवा चल रहा है यार, मतलब क्या बोले यार, आप बहुत चीज़ ऐसा होता है ना जिसको आप यार बोल के बयान नहीं कर सकते हो, वो उसमें से ये वाली अपना उसमें से एक चीज़ है भाई, सिंपल।